प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले बीजेपी नेताओं की पार्टी में दोबारा एंट्री के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान लोगों को जोड़ने की कड़ी में पार्टी छोड़ने वालों को भी जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा, गलती किसी से भी हो सकती है, उनकी गलतियों को माफ करने का फैसला पार्टी हाईकमान ले सकता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व चला है और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत इकाई का गठन हो, इसी के लिए प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए, चाहे उसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, सभी आयु के लोगों की उसमें भागीदारी, सर्व समाज की भागीदारी, और इस कड़ी को मजबूत करते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में 50,00,000 सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसमें लगे हैं। 10,00,000 से ज़्यादा सदस्य अब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ताओं की लाखों की संख्या में जो प्रत्येक बूथ की इकाई है, हमारे त्रिदेव हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो इस काम को बहुत जल्दी पूरा करेंगे और उसी की समीक्षा बैठक के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व और सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई टिप्पणी को लेकर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। हुड्डा ने राज्यपाल के अभिभाषण को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल बताया था। इस पर बीजेपी के तमाम नेता पलटवार कर उनको घेर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, डायरेक्शनलेस है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, कोई अचीवमेंट नहीं बताई और आगे का फ्यूचर कोई वो नहीं दिखाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बीजेपी के नेता एक एक कर अब उन्हें घेर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो जैसा सेवन करता है उसे वैसा ही दिखाई देता है, तो कोई साफ साफ कह रहा है कि जनता ने नकार दिया, जिसके चलते हुड्डा साहब को अब सिर्फ शराब नजर आ रही है। जो आदमी जिस प्रकार का सेवन करता है उसी प्रकार का वो उदाहरण भी देता है और अब उनकी उम्र इस प्रकार की हो गई है, वो अनाप शनाप कुछ भी उनके मुंह से निकलता है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को तो जो है शराब ही नजर आती है।